अगर आप लोग दुबई में बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं या फ्री का फूड खाने में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें, फिर मजा आएगा। गाइस तो लेट हो रहे हैं तो चलते हैं यहाँ से, लेकिन जाने से पहले आप मुझे बताओ, मेरी वीडियोस देखो तो आप बहुत खुश होते हो, मुझे भी तो थोड़ा सा खुश करो यार। वो नीचे लाल रंग का बटन आपको नजर आ रहा है जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आपको पता है लाल रंग खतरे की निशानी है, तो क्यों मेरे लिए वो खतरा उसको बनाया हुआ, उसको जोर से कोई चीज उठा के मारो उसका रंग ही गायब हो जाए वहां से, कुछ ऐसा ना मार देना कि सब्सक्राइब ही ना कर सको मोबाइल की स्क्रीन बचा के। अरे हमसे प्यार से उसको दबा दो ताकि वो सब्सक्राइब हो जाए, साथ फिर घंटा भी दबा दो कि हमने दबा दिया है, हमने कर लिया सब्सक्राइब। तो चलते हैं, लेकिन लेट होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग गाड़ी स्टार्ट करते गियर लगाओ जान दो, भाई गाड़ी दो चार दिन से बंद खड़ी है तो स्टार्ट करो, थोड़ा सा इसका इंजन गर्म हो जाए तो उसके बाद जाके आप लोग गियर लगाएं और चलाएं। आज तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मैं जा कहाँ पे रहा हूँ, तो आप लोग सईद व्लॉग्स को तो जानते ही होंगे, पहले भी मैंने उनके साथ एक वीडियो बनाई उनके रेस्टोरेंट पर जाके, तो उन्होंने मुझे एक इन्विटेशन दी थी, एक यहाँ पे फूड का कोई इवेंट हो रहा है तो वहाँ पे एक तो खाना वाना फ्री का मिलता है भाई सारा कुछ, तो उन्होंने वहाँ पे मुझे बुलाया, इनवाइट किया, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। और फ्री का खाना इस तरह मिलता है कि टिकट लेनी पड़ती है, 400 दिरहम की या कितने की टिकट है, तो बाकी मैं डिटेल आपको वहाँ जाकर देता हूँ मुझे ये कैसे मिली और सईद भाई ने मुझे कैसे दी। फिलहाल लेट हो रहे हैं तो फिर मैं आपसे जाकर बात करता हूँ। देखो भाई लोग लेट तो हो रहे हो, लेकिन लेट होने का मतलब ये नहीं है कि आप ओवर स्पीडिंग करो, लेट होने का मतलब ये भी नहीं है कि पेट्रोल ना डलवाया जाए, लेकिन पेट्रोल की लाइन जो होती है वो आपको मैं दिखाई देता। अभी तो मैं आगे आ गया हूँ और भी देखें लोग और पीछे से भी और भी आ रहे हैं, तो पेट्रोल डलवाना ज़रूरी है। वो लेट होने का मतलब ये भी हरगिज़ नहीं है कि हवा ना भरवाई जाए, लेकिन जब हवा वाली जगह पर दोनों साइड पर लोग गाड़ियाँ खड़ी करके चले गए हों तो फिर थोड़ा सा वेट कर लें भाई, क्योंकि हवा भी ज़रूरी है। हवा हमेशा 32 पर रखें और जब हवा भर हो जाए तो इसको यहाँ रखें, पाइप भी ऊपर कर दें। सबसे पहले तो भाई सीट बेल्ट लगाएं, उसके बाद गियर लगाएं और उसके बाद बस सीधा जाने दें। लेट होने का मतलब ये भी नहीं है कि डायरेक्ट अपनी गाड़ी पे वहाँ भाग जाओ, क्योंकि आप डबल फंस सकते हो, तो जहाँ पे पहले मेट्रो स्टेशन ढूंढो सबसे करीब, वहाँ पे पार्किंग अगर है तो पार्किंग लगाओ गाड़ी और मेट्रो ट्रेन पे निकल जाओ, मैं भी यही करने वाला हूँ बॉस। लेकिन जो हालात चल रहे हैं मुझे लगता है कि पार्किंग भी नहीं मिलनी यहाँ पे, हर जगह पे फुल है पार्किंग बॉस। लेवल 2 पे चेक करेंगे, लेकिन पहले नीचे चेक कर लें शायद मिल जाए। मेक श्योर कि अपनी गाड़ी पार्क करो रेंज रोवर के साथ, स्वैग बनता है बॉस। फाइनली पार्किंग मिल गई है, यहाँ पे एक दो और भी फ्री पड़ी हैं, बाकी उसके अलावा सारी एंड तक सारी जो है ना भरी हुई है। बैग अपने साथ लाजमी लेके आना चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी व्लॉगिंग का सामान है गिम्बल वगैरह वो डाल लेना चाहिए, और मेक श्योर के कार्ड आपके पास होना चाहिए, और कार्ड भी है मेरे पास, और अब बैलेंस भी चेक करना ज़रूरी है, इसमें बैलेंस है कि नहीं। चीज़ तो मैं भूल गया था, जाने से पहले इसकी पिक्चर बना लो ताकि आपको गाड़ी ढूंढने में आसानी हो। इस्लाद मेट्रो स्टेशन है, ये सबसे पहला है या आखिरी कह लो या पहला कह लो, कार्ड में मैच लगाना लाजमी है। कार्ड किधर गया बॉस? कार्ड निकाला बैग में क्यों रखी है? दिमाग देखो मेरा, ऐसे
ट्रेन खड़ी है यहाँ भाई। इस स्टेशन से बैठने का ये फ़ायदा है कि हम लोग आगे आगे से जा सकते हैं, फ्रंट पे बैठ सकते हैं, व्यू मिलेगा सारा आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, मेट्रो पे तो पहुंच गया हूँ, वहाँ पे ट्रेड सेंटर पे, लेकिन भूख बहुत लगी है, पावर कोई नहीं थी वीडियो बनाने की, तो एक बार वहाँ पहुँच के बनाऊँगा। गाइस ये कार्ड यहाँ पे बनता है, ठीक है, 17 से 21 तक फ्री है। वैसे अगर आप लोगों ने यहाँ से लेना है तो 420 दिरहम का मिलेगा, लेकिन सईद भाई की अपनी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर है तो उनको ये फ्री पासिस मिले हैं, तो उन्होंने फिर मेरे लिए एक मैनेज किया, तो यहाँ पर लिखा हुआ जी सेल मैनेजर, तो लेवल हो गया। तो मुस्ता तोड़ना स्टार्ट, सबसे पहले तो ये और थोड़ा सा ये ले लो और आगे चलते हैं। सारे स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ से, जो मर्जी खाओ, फ्री है सब कुछ। कुछ भी डालना है। और तो अभी हम लोगों ने लिया है इटालियन राइस, थोड़े से लिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले रहे हैं ताकि सब कुछ टेस्ट हम ट्राई कर सकें। और ये देखो पिज़्ज़ा बन रहा है, यहाँ पे पिज़्ज़ा बन रहा है, पिज़्ज़ा तो लेना है, पिज़्ज़ा लेंगे अभी। आइसक्रीम है ये, फ्री की आइसक्रीम लिया। तो किम्बल के साथ या तो वीडियो बनेगी या खा होगा, तो हम लोग मेन मकसद तो अपना पेट पूजा बाद में। लोग पूछ रहे हैं कि यार ये दो दो आइसक्रीम, ये मेरे लिए, ये किसका? नहीं नहीं, सईद भाई क्या दोनों, मैंने तो अपनी अलग ली हुई है, खा गया हूँ मैं, सईद भाई क्या दो। अच्छा तो मैं गिम्बल अभी अंदर रखने लगा हूँ, वीडियो शेकी हो तो उसके लिए फिर थोड़ा सा मैनेज करेंगे अब। तो भाई पहले पेट पूजा बाद में काम पूजा। ऑलराइट, तो ये बीफ है, बीफ लिया हमने, ट्राई करते हैं कैसा है। भाई सईद भाई तो खाई जा रहा है, मैं कुछ भी नहीं रहा अकेले अकेले। मेरी आइसक्रीम अभी तक फुल है, ये दूसरा, इन्होंने दो आइसक्रीमें खा ली है और चार ये खा लिए। सईद भाई क्या कर रहे हैं, अकेले अकेले खा रहे हैं हम। हमारा आज, हमारा जो है वो आज रोज़ा है। अच्छा रोज़ा, ये रोज़ा खोल रहे हैं। तो ये बीफ बड़ा ज़बरदस्त है वैसे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़बरदस्त है सस्ता। ये स्टॉल जो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, तो अभी यहाँ से भी ट्राई करते हैं, क्योंकि इनकी टाइमिंग होती है कुछ कुछ देर के बाद जाकर ये स्टार्ट करते हैं, एक बार वो देते हैं उसके बाद कुछ देर के लिए फिर दोबारा तैयार करते हैं, उसको बनाते हैं, उसके बाद दोबारा फिर देना स्टार्ट करते हैं। और सईद भाई कितनी ऐसी में खाएँगे आप ये बताए उन्हें? नहीं नहीं, अच्छा नहीं, पहली आइसक्रीम नहीं है, चौथी है। अच्छा पहली आइसक्रीम है, पहली। अभी हम लोगों ने बीफ लिया है वहाँ से और बनते हुए आप लोगों ने देखा है, और सईद भाई की दूसरी प्लेट है। मजाक कर रहा हूँ। तो अब सईद भाई कौन से हॉल में जा रहे हैं? ये भी एक हॉल था लेकिन बहुत बड़ा है, अभी मैंने वीडियो में पूरा बनाया लिया। अच्छा हम लोग जा रहे हैं शेख सईद हॉल पर। शेख सईद, ठीक है। Yeah.
भाई जो है वो पीछे थोड़ी सी बिज़नेस की बात कर रहे हैं, तो उनका मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ से भी कुछ भी हम ले सकते हैं, मतलब एलमंड्स वगैरह, बादाम, पिस्ता वगैरह कुछ भी हम फ्री में खा सकते हैं। तो सईद भाई एक बार डील कर लें तो फिर आगे चलते हैं। सब मीटिंगें हो रही हैं यहाँ पर, ये क्या लिया सईद भाई अपने? डोरिटोस। ओके। चीज और सॉस है इसका, सॉस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ये उसका सॉस वो थोड़ा स्पाइसी है, सॉस अच्छा है इसका। गाइस ये तो चॉकलेट भी ली थी मैंने कुछ खा ली, और ये क्या चीज़ है सईद भाई? है कोई पता नहीं, बस हमें कुछ मिला हमने खा लिया उठा के, पता नहीं कुछ है सही, पता नहीं इसका नाम क्या, लेकिन खाया सर। जैम का जायका आ रहा है उसमें, जैम का जायका, ऊपर से जैम का जायका आ रहा है, नीचे से चॉकलेट का जायका आ रहा है उसमें। भाई तो अभी हम लोगों ने लिया है चॉकलेट वाला वेफर, गर्म है, गर्मा गर्म है। गाइस ये स्वीट है स्पेन का, ऊपर जो है वो ज़ाफ़रान भी लगा हुआ है, ज़ाफ़रान वगैरह लगा हुआ है। बहुत बढ़िया, आप भी ट्राई करना चाहिए। थैंक यू सर। और ये ताजमहल इंडिया का ही है, और स्वीट जो है वो इंडिया के नहीं है, वो स्पेन के हैं, सही है ना? थैंक यू। मीडिया वाले लोग भी आए हुए हैं, क्या देखें ये खड़े हैं मीडिया वाले। गाइस अभी हम लोगों ने फ्री के एक तो नगेट्स लिए थे, नगेट्स तो मैंने खा लिया, और ये कबाब हैं जो हाफ़ किए हुए हैं, तो यहाँ से ये लिए हैं अभी। तो जितने हाथ में आ सको उठा लो, क्योंकि फ्री के हैं भाई। दो और ले आया हूँ भाई, ये कुछ और लग रहा है मुझे। और गाइस तो थर्ड राउंड पे एक और ले आया है, ये क्या चीज़ है? सईद भाई ने कोई गरम गरम खा लिया। फलाफिल है, गरम तो नहीं था वो, मैंने ट्राई नहीं किया, गरम नहीं है। नहीं वो फिश ज़्यादा गरम था, फिश ज़्यादा गरम था, गरम गरम है। ये तो मोहसिन भाई जिनके चीज़ें खाते हैं उनको जो है वो प्रमोशन भी नहीं करते हैं, तो ये हमने प्रमोशन ऑलरेडी कर दिया भाई। अच्छा। और अगर सबसे पहले तो सईद भाई का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वो चेक करें, लाजमी सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी वीडियोज़ और बहुत अच्छे आइडियाज़ आपको मिलेंगे वहाँ से। और उसके अलावा सईद भाई से पूछते हैं कि ये जो गल्फ फूड की वीडियो है ये मैंने सिर्फ इसके लिए छोड़ी, मैंने कहा कि ये बना ले, हाँ ये इसके बारे में मैंने कुछ नहीं बनाया तो, लेकिन बनाएंगे आप, इसके बारे में भी बनाना आपको। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि जो गल्फ फूड है ये आखिर क्या चीज़ है जहाँ पे हम आए हुए हैं? जिसके अलावा गल्फ फूड में जो है वो वर्ल्ड वाइड से जो है वो लोग आते हैं पूरी दुनिया से, ठीक है, यानी कि इस टाइम पे पूरी दुनिया से इस जगह पे लोग आए हुए हैं। यहाँ पे जो है वो पूरी दुनिया से जो है वो लोग इकट्ठे होते हैं, और यहाँ पे जो है वो अपने अपने स्टॉल लगाते हैं, और बाकी जो विदाउट स्टॉल जो लोग आते हैं, जिस तरह अभी ये कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है विजिटर, स्टॉल वाले होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है एग्जिबिटर, और ये जो विजिटर होते हैं ये आते हैं, ये फिर इन कंपनियों वाले से जो है वो चीज़ें लेते हैं, और इनको जो है वो अपना विजिटर बिजनेस कार्ड जो है वो पास करते हैं, फिर इस तरह जो है वो रिलेशन बनता है लोगों के दरमियान, और बिजनेस जो है वो बढ़ता है। यानी कि सिंपल शॉर्ट एंड सिंपल ये है कि लोग यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से आके अपने स्टॉल लगाते हैं, यहाँ पे शॉप्स खोलते हैं, उसके बाद जो ये लोग जो सारे आए हुए हैं यहाँ पे ये मोस्टली कस्टमर्स हैं यहाँ पे इनके। जी जी। सईद भाई भी अपने बिजनेस के मतलब मामले से यहाँ पे आए थे, और ये हमें जो कार्ड आपको मैंने पहले बता दी है इसकी स्टोरी कि इनका यहाँ पे एक स्टॉल है, इसलिए हमें मिले हैं यहाँ से। तो जिसका स्टॉल है वो फ्री कार्ड यहाँ पे दे सकता है। उसके अलावा ये जो फूड है सारा हम खा रहे हैं, ये एक टाइप का है तो टेस्ट के लिए, लेकिन हम टेस्ट अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अभी जो इन्होंने खाया था हम तो जो है मैंने तो सिर्फ एक दफ़ा किया हूँ, वो भी एक हाफ पीस उठाया, ये तीन बार गए, मैंने आपकी वीडियो बनाई है। तो यानी कि यहाँ पे आप लोग वैसे आए तो इधर की जो टिकट की फ़ीस है वो 420 dirhams है, जो कि कितने 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए 4-5 दिन के लिए 5 दिन के लिए वैलिड होती है वो। तो उसमें आप आ सकते हैं, यहाँ पे घूम सकते हैं, खा सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, कस्टमर्स मिलेंगे, आपका बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सईद भाई क्विकली ये बता देंगे अगर यहाँ पे एक नॉर्मल लेवल का स्टॉल लेना हो मतलब, तो उसकी तकरीबन कितनी फ़ीस देनी पड़ती है? ये कंट्रीज पे डिपेंड करता है, अभी जो पाकिस्तान से जो है आपने जो स्टॉल लिया वो कितने में लिया? पाकिस्तान में जो है वो 6 से
دس لاکھ تک مل جاتا ہے روپیز کا، باقی انڈیا وغیرہ اس کا مجھے اتنا علم. تو انہوں نے جو اسٹال لیا وہ 6 لاکھ پاکستانی انہوں نے دیا ہے، تو انڈیا کے آلموسٹ 3 لاکھ کے قریب ہو گیا یا 4 لاکھ اتنا ہو گیا. تو مطلب ہر کنٹری کے الگ الگ لگے ہوئے ہیں اسٹال، جہاں پہ پاکستان کا اس کے چاروں سائڈوں میں پاکستان کا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مطلب اسٹال جو ہے وہ چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹا جو ہے وہ سستا ہوتا ہے، جو بڑا اسٹال ہوتا ہے وہ پھر مہنگا ہوتا ہے، اس کے زیادہ پیسے لگتے ہیں. اور کارنر پہ جو ہوتا ہے اس کے زیادہ پیسے لگتے ہیں، جو مڈل میں ہوتا ہے اس کے الگ پیسے لگتے ہیں، اس طرح ڈفرینٹ. یعنی کہ یہ کرتا تو ڈیپینڈ ہے آپ کا کتنا بڑا اسٹال لے رہے ہیں، کس ایریے میں لے رہے ہیں. بہرحال ایریا پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں پہ، لیکن آپ کو یہاں پہ فائدہ بہت ہوگا بزنس کا، فائدہ بہت ہوتا ہے. ایک بھی کسٹمر آپ کو مل جائے گا نا تو آپ ادھر 10 اسٹار بھی لگاؤ گے نا، سب کا جو ہے وہ خرچہ نکل جاتا ہے. یعنی جب ورلڈ وائڈ یہاں سے آتے ہیں تو امپورٹ کرتے ہیں، آپ کے پاس جو سامان ہوتا ہے یا آپ امپورٹر ہیں یا ایکسپورٹر ہیں، تو بہت زیادہ مطلب فائدہ ہو جاتا ہے. یہاں پہ امریکہ سے، جرمنی سے، اٹلی سے، ہر جگہ کے اسٹال لگے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور ہر جگہ سے کھانا مل رہا ہے فری میں. یہ چکن پاپ کارن ہے، چکن پاپ کارن کھایا، گرم بہت ہے، مزدار بھی بہت ہے. میں نے تو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ٹھنڈا ہو جائے گا. میں تو ڈیرنگ بنا کھا لوں. تو پھر لیونگ آن دی ایج میں چاہتا ہوں، لیونگ آن دی ایج والے یہاں پہ آئیں گے میرے پاس. مسٹر بین کی گاڑی انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے، اس کے اندر سامان ڈالا ہوا سارا. گئی ابھی میں بہت تھک گیا ہوں، تو اس لیے میں جا رہا ہوں واپس. اور سعید بھائی نے اپنے اسٹال پہ بھی جانا ہے، وہاں پہ ہم لوگ ویڈیو نہیں بنا سکے کیونکہ کسٹمر کافی زیادہ تھے اور ان کے انکل وغیرہ بھی سارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو ابھی جو ہے ہم نے کھایا بھی ہو تو کافی کچھ ہے، لیکن ویڈیو زیادہ نہیں بنائی ہے. لیکن ابھی میں جا رہا ہوں، تو بہت بہت شکریہ سعید بھائی آپ کا، آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا. اور سعید بھائی کا چینل لازمی آپ چیک کریں، ابھی بھی اس کے جو ہے وہ 3 دن باقی ہے، پتہ نہیں آگے آئے گا یا نہیں. چلو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آنے کی. تو اگر میں تو کل 2 دن ادھر ہی ہوں، تیسرے دن ادھر ہی نہیں ہوں، تو اگر میں آیا تو کل نہیں تو پرسوں آؤں گا. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو دیکھتے ہیں پھر تب تک کے لسٹ ہو جائے گی. یہ سامنے برج خلیفہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، دبئی مال بھی ادھر ساتھ ہی ہے، لیکن اب میرے میں جو ہے نا ہمت نہیں رہی چل چل کے، اب میں واپس جا رہا ہوں. گائز تو اب میں آ گیا ہوں واپس، گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں اور جا رہا ہوں ابھی، یہ میٹرو اسٹیشن کی پارکنگ میں ہی ہوں ابھی. تو لیکن راستے میں میں نے ایک بھائی سے ملنا ہے، وہ کب سے مجھے کہہ رہے تھے ملنے کا، میں مل نہیں سکا ان سے، تو ابھی میں خود جا رہا ہوں ان سے ملنے کے لیے. تو انہوں نے بھی اپنا یوٹیوب کا چینل ایک اسٹارٹ کیا ہوا ہے، تو اسٹے ٹیون. کیا ویدر ہے، اور گائس تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آتے ہوئے کہ میں ایک بھائی کے پاس جا رہا ہوں، تو ان کا بھی یوٹیوب کا چینل ہے، لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، پلیز جائیں لازمی وہ چینل چیک کریں، سبسکرائب لازمی کریں، لازمی سبسکرائب کریں، اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں، انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں، لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے. تو تب تک کے لیے اسٹے ٹیون، اور بھی ویڈیوز آئیں گی بھائی کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلدی. اور تب تک کے لیے اسٹے ٹیون.